हेलो एनिमे गैंग, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डीमन स्लेयर सीजन 3 के एपिसोड 6 को, जिसका नाम आर यू नॉट गोइंग टू बिकम अ हशिरा है। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड या चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें पहले देख लें, उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इस एपिसोड की शुरुआत 5th एपिसोड के एंड से होती है, जहाँ तांजीरो ने 3 डीमन्स के सिर को काट दिया था और बचे हुए डीमन का सिर गैन्या ने काट दिया था। पर तांजीरो देखता है कि गैन्या डीमन बन चुका है। हाँ, तीनों डीमन फिर से स्लोली रीजनरेट होने लगते हैं। तांजीरो सोच रहा था कि ग्योतारो और डाकी की तरह ये भी मर जाएंगे, पर तभी तांजीरो को इनके जैसे ही 5th बॉडी की स्मेल आती है। तांजीरो ये कह ही रहा था कि उन्हें 5th डीमन की भी गर्दन काटनी होगी, तभी गैन्या पीछे आ जाता है और कहता है मैं इस अपर रैंक के डीमन को मारूंगा और हशिरा बनूंगा। तांजीरो भी उसे फुल सपोर्ट देने के लिए तैयार हो जाता है। तभी सेकिडो और सभी डीमन्स रीजनरेट हो जाते हैं। सेकिडो तांजीरो और गैन्या पर हमला करता है, पर वो इस अटैक को डॉज कर देते हैं। तांजीरो उस डीमन को ढूंढने के लिए जाने लगता है और गैन्या को नेजुको का ध्यान रखने के लिए कहता है। तांजीरो कॉन्सेंट्रेट स्मेल पावर का यूज करता है। काराकू के विंड अटैक का इस्तेमाल करने की वजह से हॉट स्प्रिंग की स्मेल गायब हो जाती है, जिसकी वजह से तांजीरो उस 5th डीमन को ढूंढ लेता है। वो दूर कहीं झाड़ियों में छुपा हुआ था और डर रहा था। वो गैन्या को उसकी लोकेशन बता देता है। तभी सब डीमन्स इन पर हमला करते हैं। तांजीरो गैन्या को उस 5th डीमन को मारने के लिए भेजता है और खुद यहाँ पर इन सभी डीमन्स से लड़ता है। गैन्या को यहाँ से जाता देख सेकिडो उस पर अपनी लाइटनिंग से हमला करता है। ये देखकर तांजीरो नेजुको को उसे रोकने के लिए कहता है। तभी काराकू जोरदार हमला करता है, जिससे वहाँ एक तूफान आ जाता है। नेजुको सेकिडो पर हमला करने जाती है, पर आइजेत्सु वहाँ आकर नेजुको के अंदर अपना वेपन पेनिट्रेट कर देता है। इसके बाद ग्योको को दिखाया जाता है, जो तोकितो की हालत पर खुश हो रहा था, क्योंकि तोकितो उस प्रिजन पॉट को नहीं काट पा रहा था। यहाँ जैसे ही सेकिडो नेजुको को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी तांजीरो आकर उसके हाथ को काट देता है। सेकिडो ये देखकर कि तांजीरो ने फिर से काराकू के अटैक को खारिज कर दिया है, वो सोचने लगता है कि जब से वो मिले हैं तब से वो इम्प्रूव होता जा रहा है। एक और अटैक करता है, जिससे रोगी की टंग और एक पंख कट जाता है। यहाँ नेजुको आइजेत्सु को पकड़कर उसको अपनी ओर खींच लेती है, जिससे आइजेत्सु के अंदर भी वो वेपन पेनिट्रेट हो जाता है। फिर अपने ब्लड डीमन आर्ट का यूज करके उसे जलाने लगता है। सेकिडो देखता है कि यहाँ काराकू नहीं है। तभी उसे दिखाई देता है कि काराकू और तांजीरो लड़ रहे हैं। काराकू तांजीरो पर जोरदार हमला करता है, जिससे तांजीरो को बहुत दर्द होता है। काराकू सोचता है कि उसने तांजीरो को हरा दिया और गैन्या पर हमला करता है, पर तभी तांजीरो पीछे से उसका हाथ काट देता है। तांजीरो चिल्लाकर गैन्या को उस 5th डीमन की लोकेशन बताने लगता है, साथ में इन डीमन से लड़ने लगता है। यहाँ गैन्या को वो डीमन कहीं नहीं मिल रहा था। तांजीरो कहता है कि वो तुम्हारे वेस्ट में है। गैन्या को उस साइड कोई दिखाई नहीं देता, पर जब वो नीचे देखता है तो वो शॉक हो जाता है कि हांतेंगू का ये फॉर्म तो बहुत छोटा है। वो 5वां डीमन वहाँ से भागने लगता है। गैन्या सोचता है कि क्या सच में ये मेन बॉडी है, और उस डीमन की गर्दन पर अपनी सॉर्ड से हमला करता है, पर उस डीमन की गर्दन नहीं कटती बल्कि गैन्या की सॉर्ड ही टूट जाती है। ये देखकर तो गैन्या के होश उड़ जाते हैं। गैन्या उस पर अपनी शॉटगन से भी हमला करता है, पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता, उसकी गर्दन इससे भी नहीं। अभी पीछे से सेकिडो आ जाता है, जो गैन्या की गर्दन पर हमला करने वाला होता है। गैन्या सोचता है कि वो यहाँ पर मर जाएगा, क्योंकि वो अटैक उसकी गर्दन पर होने वाला है और हर डीमन की तरह वो भी अपनी गर्दन को रीजनरेट नहीं कर सकता, ना वो इस अटैक को डॉज कर सकता था क्योंकि सेकिडो बहुत तेज था। तभी गैन्या को उसके एक पास्ट का सीन याद आता है, जहाँ वो एक लेडी जो की मर चुकी थी उसे पकड़कर रो रहा था। साथ में वहाँ उसका भाई सानेमी भी खड़ा होता है। गैन्या के पास से हमें दिखाया जाता है कि गैन्या के पिता बहुत खराब आदमी थे, वो हमेशा अपनी पत्नी और बच्चों को मारते थे। एक दिन उन्हें कोई स्टेप करके मार देता है। इसके बाद गैन्या की माँ दिन रात काम करती थी ताकि वो अपने बच्चों का पेट पाल सके। एक दिन काफी रात हो गई थी और अभी तक गैन्या की माँ घर नहीं आई थी। गैन्या के छोटे भाई बहन बहुत परेशान हो रहे थे। गैन्या उनसे कहता है सानेमी उन्हें ढूंढने गया है, चिंता मत करो तुम लोग जल्दी सो जाओ। तभी घर का गेट बहुत जोर से कोई बजाने लगता है। सभी बच्चे खुश होकर गेट खोलने जाने लगते हैं, पर गैन्या उनसे मना करता है कि माँ ऐसे दरवाजा नहीं टोकती। तभी कोई गेट को तोड़कर अंदर आ जाता है और गैन्या के सभी भाई बहन पर बुरी तरीके से हमला कर देता है। वो गैन्या को भी थोड़ा घायल कर देता है। गैन्या को समझ नहीं आ रहा था कि ये चीज क्या है, क्योंकि वहाँ बहुत अंधेरा था। वो चीज फिर से गैन्या पर हमला करती है। तभी यहाँ सही टाइम पर सानेमी आ जाता है, जो उस चीज को लेकर बाहर कूद जाता है। गैन्या देखता है कि उसके सभी भाई बहन मरने वाले हैं। वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे सानेमी मिलता है। सानेमी के पास वही चीज पड़ी होती है जिसने उन पर हमला किया था। गैन्या पास जाकर देखता है, जहाँ उसके होश उठ जाते हैं, क्योंकि ये उनकी मॉम थी जो कि डीमन बन चुकी थी। वो उन्हें पकड़कर रोने लगता है और सानेमी को खूनी कहने लगता है। वो इस बात के लिए उससे माफी मांगता है, क्योंकि वो सानेमी के दर्द को समझ चुका था। सानेमी ने अपने ही हाथों से अपनी माँ को मार दिया था, जिसे वो सबसे ज्यादा चाहता था, ताकि वो अपने भाइयों को बचा सके। गैन्या कहता है ना मेरे पास सानेमी जैसा टैलेंट है, ना मैं किसी ब्रीथिंग फॉर्म का इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं किसी काम का नहीं। तब तक सेकिडो बस गैन्या की गर्दन को उड़ाने ही वाला था, तभी तांजीरो आकर सेकिडो के हाथ को काट देता है, जिससे गैन्या की गर्दन बच जाती है। तांजीरो गैन्या को हार ना मानने के लिए कहता है और एक और बार उस 5वें डीमन की गर्दन को काटने के लिए कहता है। वो गैन्या से कहता है क्या तुम्हें हशिरा नहीं बनना। तभी तांजीरो के पीछे सेकिडो आ जाता है, जो उस पर वीपिंग स्पीयर अटैक करने वाला होता है। वो अटैक तांजीरो को हिट करने ही वाला था, पर
तांजिरो के सामने गैन्या आ जाता है, जिससे वो अटैक गैन्या में पड़ जाता है। इस अटैक की वजह से गैन्या की पूरी बॉडी में होल हो जाते हैं, वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया था। गैन्या तांजिरो को उस फिफ्थ डीमन का हेड काटने के लिए कहता है और खुद आइजेत्सु से लड़ने लगता है। तांजिरो उस फिफ्थ डीमन को ढूंढ कर उसकी गर्दन को काटने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। कमेंट से बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।